गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जा रहा हूँ भिवंडी बाईपास रोड पकड़ के बॉम्बे से शिरडी। करीब 5 घंटा का जर्नी है, तो बीच में मैं सोचा कहीं जगह पे अगर अच्छा ढाबा कुछ मिल जाए तो खाना खा के चलेंगे। मैं रुक गया ये साई ढाबा, बट ये कोई नॉर्मल ढाबा नहीं है। तो ये वीडियो मैंने बनाया उसी साई ढाबा का स्पेशलिटी के ऊपर। तो आइए देखते क्या है ये स्पेशलिटी इस ढाबा का। एंट्री करते एकदम मेन जगह पे मुझे मिल गया इस रेस्टोरेंट का ओनर। साई ढाबा में डिफेंस के लिए आप कुछ कंसेशन दे रहे हो इसमें लिखा हुआ है, तो हाँ। ये आप पहले डिफेंस में थे? नहीं, डिफेंस में नहीं था। अच्छा, लोगों को देखते देखते तो क्या लगा है कि मिलिट्री का क्या है, फौज लोगों का क्या है। तो फौज लोगों का कुछ तो अच्छा करो, आप अच्छा नहीं कर सकते तो अच्छा सोचो। सोचना अच्छा है क्योंकि भाई कोरोना में बहुत तकलीफ हो गया है, हर पब्लिक को तकलीफ हो गया। हमने इधर मंडप लगा के 100 दिन अनाज बांटा लोगों के लिए। तो सोचा अभी फौज लोग इतना आते जाते बेचारे उन लोगों को क्या है, तो हमारा दिमाग में आ गया कि उनके लिए कुछ तो करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा दो। अच्छा, तो आपने इसके लिए डिफेंस वाले के लिए थोड़ा कंसेशन देने का कोशिश करो। और साथ में आपके साथ कौन है, ये प्लान कौन लेके आया था? प्लान ये ऐसा किसका सोच है? सोच है हमारा जो है प्रदीप वासुपेटी, हमारा लड़का जो है। आपका लड़का? हाँ, लड़का है। क्या नाम है? प्रदीप। अच्छा, प्रदीप। प्रदीप, प्रदीप सेट्टी। ओके। मैं बचपन से समाज सेवक में घुस गया। अच्छा, तो करते चले गए। बोला अच्छा है, ये करो पापा वो करेंगे, चलो जो कुछ तेरे दिमाग में आते हो करो। बाकी अभी अच्छे अच्छे फौज में जो है, कल पता नहीं कल कहाँ है। तो अभी हम लोग क्या है, कुछ नहीं, जो है उसमें थोड़ा कुछ खुशी मना रहे। ओके, तो फिर आपने फिर ये लेके आया। तो अभी आपके बेटा कहाँ पे है? अभी आएगा, अभी है भिवंडी में, सिटी में। अच्छा, ओके। करीबन अभी 3-4 बजे के बाद में आ जाएंगे हम उनसे मिलने का। बहुत शाम को बहुत से लोग से मिलता, शाम को आ जाता हूँ। ओके, भाई सब देखभाल वही करते हैं। ओके, मैं कल आते 2 घंटा। और आप ओनर का, रेस्टोरेंट का ओनर आप ही हो? क्या नाम है सब आपके? वासु शेट्टी। वासु शेट्टी। और ये भिवंडी में है? भिवंडी में, साई ढाबा, भिवंडी बाईपास साई ढाबा। अच्छा, ओके। क्योंकि गरीब है, खाना नहीं, खाना खाओ जाओ, हमेशा खाना पका के मुफ्त डेली खाना पका के रखता है, खाना नहीं का खाना खा के जाओ। अच्छा, डेली कुछ गरीब लोगों के लिए मुफ्त में खाना अभी आप बांटते हो? डेली खाना, डेली खाना है, जो गरीब उसको आना नहीं, खाना खाओ, गरम गरम रोटी बना के देता है, चावल दाल भाजी भाजी बना के रखता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फ्री, पैसा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ये एरिया जो है, आप ये पोर्शन आप उनके लिए रखे हो जहाँ पे लोग आके खाना खा सकते हैं, जो गरीब लोग है? गरीब लोगों को फ्री, गरीब लोगों के लिए फ्री खाना खाने को आते हैं ना। ये देखो, इन लोगों को पूछो गरम रोटी खिलाएंगे, सादा बासी नहीं खिलाएंगे, नहीं चावल सब्जी रोटी बना के रखेंगे, रोटी गरम। तो ये जगह खाली उनके लिए ही है, सबके लिए एक ही किचन? सबके लिए एक ही आइटम, एक ही गरीब के अलग आइटम नहीं, एक हम जो खाना खाएंगे वो भी यहाँ से ही जाएगा, नहीं जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है कि सबके लिए एक ही जगह से खाना जा रहा है। अपना स्टाफ को भी, स्टाफ को भी, गरीब को भी, कस्टमर एक ही। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। भगवान करे आपका साई ढाबा ऐसे और 4-5 हो जाए कि कम से कम इतना लोगों को खाना तो मिले। सो बॉम्बे से शिरडी जाते वक्त भिवंडी बाईपास रोड से आप जब जाएंगे तो बाएं साइड में आपको ये ढाबा मिलेगा। पार्किंग का बहुत बड़ा एरिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर का एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा है। रेस्टोरेंट का जो ओनर है उनका बेटा समाज सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, तो एवरी डे मुफ्त में नीडी लोगों को उन्होंने खाना खिलाता है, और वो भी एक ही जगह से खाना बनता है, मतलब सबके लिए खाना एक ही जगह पे बनता है। डिफेंस वालों के लिए उनका अलग एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अगर कोई यूनिफॉर्म में आता है सोल्जर्स तो उनके लिए 50% फूड में कंसेशन मिलता है, और अगर सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म में आता है, मतलब प्लेन ड्रेस में, सिविल ड्रेस में आता है, तो 25% फूड के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। बहुत ही शानदार एक लंच करके मैं भी शिरडी के लिए निकल पड़ा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इस रोड से आप जा रहे हो तो इस ढाबे में ज़रूर आइए और यहाँ का लंच, यहाँ का डिनर का आप मज़ा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ का ओनर, नहीं तो ओनर का बेटा आपके साथ मिलेगा, आप उनके साथ बात करेंगे तो उनका विचार आप सुनेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सो दैट बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू।